हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के रिवार्ड प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ्लिपकार्ट जो है वो अपने प्रमोशंस लाता रहता है, तो प्रमोशंस मैक्सिममली वो प्रमोशन इस तरीके से होते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट देना होता है, और डिस्काउंट जो होता है वो हमारे बेसिस पर ही होता है, यानी हमें वो डिस्काउंट का जो चार्ज है वो हमारे प्रोडक्ट में से लेस हो जाता है और उसका हमें कोई पे आउट नहीं मिलता है। बट कई कभी कभी फ्लिपकार्ट जो है वो रिवार्ड प्रोग्राम लेके आता है, जिसके अंदर वो कुछ प्रमोशंस होते हैं, उन प्रमोशंस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज का जो रिवार्ड है वो आपको वापस कैशबैक मिल जाता है। तो उन प्रमोशंस में हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो उसके बाद वो प्रमोशंस हमें कहाँ फाइंड होंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना मेल आईडी, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, क्योंकि जो भी कुछ नए रिवार्ड्स प्रोग्राम होते हैं या कोई भी नए अपडेट्स होते हैं उनके बारे में फ्लिपकार्ट के थ्रू आपको अपडेट करता है। तो हम अपना मेल आईडी जो है, रजिस्टर्ड मेल आईडी, वो उस पर हमें कल जो है एक मेल रिसीव हुआ था, वुमेन वेस्टर्न रिवार्ड, ठीक है। तो ये आप जिस भी कैटेगरी के अंदर डील करते हैं उसी कैटेगरी के, जिस कैटेगरी के आपके पास में लिस्टिंग्स हो रखी है, उन कैटेगरी पे ये रिवार्ड प्रोग्राम आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ओनली वेस्टर्न पे मिले। जैसे अभी मैंने वेस्टर्न वुमेन वेस्टर्न का ये मेल है जो ओपन कर रखा है, मुझे वुमेन इथनिक का भी रिवार्ड प्रोग्राम का मेल आया हुआ है। तो इस तरीके से जिस जिस कैटेगरी के अंदर आप सेल करते हैं तो उसी उस कैटेगरी के अंदर आपको रिवार्ड प्रोग्राम का मेल आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको तो अपना जो मेल आईडी है वो चेक कर लेना है, वो मेन वेस्टर्न रिवार्ड फ्रॉम, तो रिवार्ड के नाम से या फिर फ्लिपकार्ट सेलर हब के सर्च करके आप अपना जो वो मेल है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना मेल आईडी चेक कर लेते हैं। मेल आईडी में उन्होंने दिया हुआ है कि 4/11/2022 से, यानी कि 4 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 पर जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट आपको रिवार्ड देगा, ठीक है। तो रिवार्ड क्या रहेगा, व्हाट इज़ रिवार्ड, यू विल बी रिसीव अप टू 5% ऑफ, यानी आपको 5% ऑफ मिलेगा रिवार्डिंग पर यूनिट सोल्ड ऑन नेट GMV। तो हमारी जो नेट, जो इस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो हमारी नेट सेल होगी कैंसिलेशन को लेस करके, ठीक है। इसके अंदर जो आपके रिटर्न्स हैं वो इंक्लूड रहेंगे, कैंसिलेशन इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन को एक्सक्लूड करके जो भी आपकी सेल रहेगी उसके ऊपर आपको 5% रिवार्ड आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। रिवार्ड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सेलर अकाउंट बाई वे ऑफ ए क्रेडिट नोट। आपको जो रिवार्ड का जो अमाउंट है वो एक क्रेडिट नोट के थ्रू आपको सेलर अकाउंट पे आपको मिल जाएगा, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी पेमेंट ड्यू टुवर्ड द सेलर। जो भी हमारा पेमेंट होगा उसके ऊपर वो एडजस्ट हो जाएगा विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द ऑफर एंड डेट, यानी ऑफर जो एंड होगा उसके 45 डेज के अंदर। हेयर इज वाट यू हैव टू डू, यानी इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्टेड इन टू WNE-R1 15% ऑफ, यानी अगर आप फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशन टैब है वहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का ये परसेंट जो प्रमोशन है वो मिल जाएगा। तो वो प्रमोशन हमें किस तरीके से देखना है उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो ऑफर आईडी है इस ऑफर आईडी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं ये ऑफर आईडी है इस ऑफर आईडी को कॉपी कर लेता हूँ ना, उसके बाद में अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमें इस प्रमोशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आपको प्रमोशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, जिसके अंदर हमने वीडियो बना रखा है कि हमें किस तरीके से प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट के प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना नहीं आता है तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगला लिखा हुआ है कि भाई आप अगर 15% ऑफ का ये जो परसेंटेज है ऑफर है, तो अगर इस पर आप ऑप्टेड इन करते हो, ठीक है, तो आपको कितना 5% मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो है प्रमोशन दे रखे हैं, जैसे ये 15% पे 5% का है, फिर यहाँ पे हमारे और भी है, आपको 7% भी 7% वाला भी है, इसके अंदर आपको 7% रिवार्ड मिलेगा, इसके अंदर 20% ऑफ देना होगा आपको, जिसमें आपको 7% रिवार्ड मिलेगा। और उसके अलावा भी और भी है, जैसे 12% रिवार्ड है, अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर 30% जो डिस्काउंट देते हो तो आपको 12% रिवार्ड रिफंड मिल जाएगा। उसके अलावा अगला एक और है हमारा 10%, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर 25% देते हो तो आपको 10% रिवार्ड के थ्रू मिल जाएगा। तो ये जो प्रमोशंस है वो इस तरीके के प्रमोशंस है कि अगर आप इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हो और इन जो प्रमोशंस के थ्रू आपके सेल आती है तो उसका 10%, 5%, 7% जो भी आप ऑप्टेड इन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिवार्ड मिल जाएगा।
तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले हम अपने सेलर अकाउंट पे जाएंगे, मैंने ये अपना खोल रखा है, ठीक है। तो हम अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लेंगे। सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद में हमें जाना है अपने प्रमोशन के अंदर। हम अपना प्रमोशन टैब खोल लेंगे, जो कि आपका ग्रोथ के अंदर हम अपना प्रमोशन ओपन कर लेंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस का आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट का जो पेज है प्रमोशन का, इसको ओपन करोगे, तो आपको रिकमेंडेड, ऑल लाइव ऑफर, ऑप्टेड इन और ऑप्टेड आउट, ये ऑप्शन दिखेंगे। उसके अलावा आगे यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बाई ऑफर आई डी एग्जाम्पल, ये इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, वो जो हमने ऑफर आई डी कॉपी की थी, ठीक है, वो यहाँ पर हमें पेस्ट कर देनी है। ये हमने ऑफर आईडी पेस्ट कर दी है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो है प्रमोशन का पेज ओपन हो गया है। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऑप्टेड इन कर चुका हूँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर, इसलिए हमें ऑप्टेड इन आउट का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपने इसमें प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे। अगर आप 15% डिस्काउंट दे सकते हो तो आप 15% में करो, अगर आप 25% डिस्काउंट दे सकते हो तो आप 25% में ऑप्टेड इन करो। तो इसके थ्रू अगर आपकी कोई सेल आती है तो उसका 5% 7% जो भी मेंशन है वो आपको एज ए रिवार्ड आपको वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो कि किस तरीके से हम फ्लिपकार्ट के रिवार्ड प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस और अपडेट्स के लिए जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।